अरे रे रुकिए, ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि आप ही है ना जो रात के 3 बजे को सोते हैं और सुबह के 11 बजे को उठते हैं और इसी मोटिव के साथ लाइफ में कुछ कर दिखाने का अजम भी रखते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए हम बना रहे हैं। रात को जल्दी सोना, ये बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा हर नौजवानों के लिए, खासतौर पर इस दौर में। हम लोगों की आदत ही बन चुकी है कि हम रात के तकरीबन 3 बजे तक सोते हैं और सुबह 11 बजे को उठते हैं। इसकी वजूहात जो भी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या चाहे दीगर वजूहात हो, हम में से हर कोई यही चाहता है कि हम कामयाब लोगों की तरह रात को जल्दी सो सके और सुबह को जल्दी उठ सके, और इसी के साथ कुछ मोटिवेशन वाली वीडियोस जो है वो यूट्यूब से देख के जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना ले और एक हफ्ते में मिलियनर्स बने। मगर इसके लिए सबसे पहले आपको रात में जल्दी से सोना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपके सोने में मदद करे। नंबर वन, सोने से पहले आपको प्लानिंग करनी होगी कि आप सोने से पहले दर्ज ज़ैल काम अंजाम देंगे जिससे आपकी नींद, आपको सही से नींद आएगी। उसमें मुताला करना शामिल है। सोने से पहले अगर आप मुताला करेंगे तो उससे नींद भी ज़्यादा होगी, आपको नींद भी आएगी, और मुताला जो है वो आपके सेहत और जहन के लिए, दोनों के लिए बेहतर है। सोने से पहले गर्म पानी का इस्तेमाल, आप सोने से पहले गर्म पानी पी के आप जो है वो आपके सोने के लिए वो अच्छा रहेगा। आप अपने चेहरे को गर्म पानी से धो सकते हैं। जी हाँ, आप जब अपने चेहरे को गर्म पानी से धोएंगे तो आपको एक तरह से रिलैक्सेशन, आपको सुकून मिलेगा जिसे आपके सोने में मददगार साबित होगा। नंबर टू, आपके जहन में जो भी इंतशार है या आप जिस अमूर के मुतालिक सोने से पहले सोचते हैं उसको फौरन जो है वो किसी नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा, यानी आप उसे अपनी प्लानिंग में शामिल करेंगे कि मैं अपने इस काम को कल सुबह जो है वो अंजाम दूंगा। इस तरह जब भी अपने आप किसी काम को किसी नोटबुक पे आप नोट करते हैं तो आप कल उस काम को तसल्ली से अंजाम दे सकते हैं और आप सोते वक्त या सोने से पहले उसके मुतालिक टेंशन कम लेंगे। नंबर तीन, सोने के लिए रूम टेम्परेचर का बराबर होना ये बहुत ही लाजमी है, यानी आप ना ज़्यादा गर्म रख सकते हैं अपने रूम को, ना ज़्यादा सर्द। अपने रूम टेम्परेचर को अपने तबीयत के मुताबिक आप सेट कर लें जो कि आपके सोने के लिए बहुत ही मुनासिब रहेगा। और इसके अलावा सोने से पहले आप सोने के लिए खुला गला लिबास जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। तन लिबास से आपको सही से नींद नहीं आएगी, इसी वजह से सोने के लिए आप खुले लिबास का इस्तेमाल कीजिए। सोते वक्त मध्यम रोशनी रखिएगा और अपने जो जितने भी लाइट्स वगैरह होंगे उनको ऑफ कीजिएगा, इससे आपकी नींद जो है वो अच्छी और बेहतर होगी। नंबर चार, सोने से पहले मस्बत ख्यालात को अपनी जहन में जगह दें। मनफी ख्यालात के मुतालिक बिल्कुल भी ना सोचिएगा, क्योंकि मनफी ख्यालात आपके जहन में खलल ईजाद करके आपको सोने नहीं देगा। तो इसी वजह से सोने से पहले मस्बत ख्यालात को अपनी जहन में जगह दीजिएगा और मस्बत ख्यालात के मुतालिक सोचिएगा। नंबर पाँच, शाम के वक्त वर्जिश करना रात के नींद के लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आप रात को जल्दी से सोया करें तो आप शाम के वक्त कोई हल्की फुल्की वर्जिश भी कर सकते हैं जिससे रात को आपको थकावट जो है वो महसूस होगी और आप इस तरह जल्दी से सोएंगे। नंबर सात, सोने से पहले गहरी सांस लीजिएगा। गहरी सांस के ज़रिए से आपके जहन में या मौजूद जितने भी टेंशन वगैरह होंगे, आप जिस अमूर के मुतालिक ज़्यादा सोच रहे होंगे, आपको फौरी तौर पर जो है वो इससे रिलैक्सेशन मिलेगा और आपकी नींद इससे बेहतर हो सकती है। तो गहरी सांस लेना ना भूलिएगा। और आखिरी पॉइंट, रात के वक्त यानी मगरिब के बाद जो है वो चाय और इसी तरह कॉफ़ी वगैरह से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि चाय और कॉफ़ी वगैरह में निकोटीन की जो है वो मकदार मौजूद होती है जो आपके सोने को ख़राब कर सकती है, यानी वो आपकी बेदारी का बाइस बन सकती है। इसी वजह से रात को खाने से पहले या मगरिब के बाद जो है वो चाय और कॉफ़ी से इज्तनाब कीजिएगा। हमारे पास ये कुछ चंद टिप्स थे जो आपके नींद के लिए बेहतर रहेगा, और इन टिप्स पर आप अमल करके आप रात को जल्दी से सो सकेंगे और सुबह जल्दी से उठ सकेंगे। शुक्रिया।